अब हमने पढ़ना है वायरल इनकेफलाइटिस। सो पहले हमने पढ़ा था वायरल मेनिनजाइटिस। वायरल मेनिनजाइटिस की डिफरेंट कॉजेज थी, उसमें जो मोस्ट कॉमन कॉज थी वो था एंटीरोवायरस। लेकिन वायरल इनकेफलाइटिस जो कि मेनली किसका इन्फेक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो वायरल मेनिनजाइटिस है वो वायरल इनकेफलाइटिस में आगे प्रोसीड भी कर सकता है एज अ कॉम्प्लिकेशन। लेकिन इसके अलावा डायरेक्टली भी जो है इनकेफलाइटिस हो सकता है, और इसमें मोस्ट कॉमन जो कॉज होती है वो होती है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, जो कि मेनली ऑल्फैक्ट्री नर्व के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है। या अगर किसी को सिनोसाइटिस है, पैरानेजल सिनोसाइटिस है, वहाँ से भी जा सकता है। ओटाइटिस मीडिया है, वहाँ से भी इन्फेक्शन जो है वायरस का जा सकता है। सो ये मोस्ट कॉमन हमारे पास हो गया। इसके बाद आर्बो वायरस हो गया, जो कि टिक्स की वजह से होता है, ये भी सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है। सेरेब्रोवैस्कुलर वायरस की वजह से हो सकता है, टोक्सोप्लाज्मोसिस की वजह से, लीजियोनेला की वजह से, मेलोप्लाज्मा की वजह से इनकेफलाइटिस जो है वो हो सकता है। इनकेफलाइटिस क्या होता है? पहले जो मेनिनजाइटिस था उसमें सिर्फ और सिर्फ मेनिंजीज इन्वॉल्व थे, लेकिन इनकेफलाइटिस के अंदर ब्रेन मैटर इन्वॉल्व हो गया है। ब्रेन मैटर में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? कॉर्टेक्स इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, वाइट मैटर इन्वॉल्व हो सकता है, और इसके अलावा जो है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व होगा, उसका इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाएगी, तो उससे जो है कॉन्शियस लेवल बहुत डिप्रेस कर जाएगा। इसमें पेशेंट जो हमारे पास आता है वो मेनली हेडेक के साथ आएगा, फीवर होगा, फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस होंगे। कहीं ना कहीं फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस में आ सकता है कि पेशेंट को एफेजिया हो सकता है, पैरेसिस हो सकती है, हेमिप्लेजिया हो सकता है। सो इसके अलावा जो है कोई भी क्रैनियल नर्व की एबनॉर्मलिटी या उसकी जो है पैरालिसिस के साथ आ सकती है। इसके अलावा सीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सीजर्स के साथ आ सकता है, और डिप्रेस्ड कॉन्शियस लेवल के साथ पेशेंट जो है वो आएगा। इसमें अगर डीडीज तो आप बना सकते हैं, बहुत ईजी है कि ब्रेन एप्सिस हो सकता है, इसके अलावा मेलेटेंसी हो सकती है, सबड्यूरल हीमाटोमा हो सकता है, इंट्रासेरिब्रल ब्लीड भी हो सकता है। जब भी पेशेंट आपके पास आएगा आपने सीटी लाजमी करवाना है, ताकि हम जो एलपी की जितनी भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है उसको रूल आउट कर दें, उसके बाद हम एलपी करें। इस केस में जो है एलपी हम करवाएंगे। सीटी करवा लिया, आपने देख लिया कोई एप्सिस नहीं है, कोई रेस्ट इंटरक्रैनियल प्रेशर नहीं है, इसके अलावा एसओएलई नहीं है, तो हमने एलपी करवाई। एलपी में जो चीज़ें आएंगी जो कि हमने पहले पढ़ी हैं एग्जामिनेशन में, कि वायरल इन्फेक्शन होगा तो उसमें ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आता। प्रोटीन जो है वो एलिवेटेड होगी इसके अंदर, ओके। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स हमें मिलेंगे इसके अंदर, लेकिन टीबी वाले लिम्फोसाइट्स की नस्बत इसमें लिम्फोसाइट्स कम होंगे, लेकिन लिम्फोसाइटोसिस जो है इसके अंदर प्लियोसाइटोसिस मिलेगी। सो हमने सीएसएफ की एग्जामिनेशन करवाई, तो उसमें पीसीआर करवा के हमने डिटेक्ट कर लिया, इसको कल्चर होना मुश्किल है, तो हमने पीसीआर डीएनए से टेस्टिंग से ही उसको वायरस को अलग कर लिया। सो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस हो गया, साइटोमेगल वायरस हो गया, जैसे ही आते हैं हमने इनके अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी है। अगर सीजर्स हैं तो साथ हमें ईईजी करवा देनी है, सो ईईजी जो है ना वो इसके अंदर पॉजिटिव आती है। उसके बाद हम इसके मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं। अगर तो पेशेंट का आ गया है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, तो हम इंजेक्शन दे देंगे एसाइक्लोविर, जो कि 2 to 3 weeks के लिए हम देंगे 3 times a day। अगर साइटोमेगालो वायरस आ गया है तो हम इसमें जेंसाइक्लोविर प्लस साथ हम फर्स्ट कार्डिनेट भी दे सकते हैं। डेक्सामेथासोन देंगे अगर रेस्ट आईसीपी होगा। इसके अलावा एंटी एपिलेप्टिक जो है ड्रग्स भी देंगे, और साथ साथ हम उसकी सपोर्टिव केयर जितनी भी होगी वो भी हम करेंगे। तो वायरल इनकेफलाइटिस जो है वो आपका मेनली एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, यूक्यूज जो है इसके काफ़ी कम आते थे, ये ऐसा कॉम्प्लिकेशन जो है वायरल मेनिनजाइटिस में आ सकता है।